आज देहरादून के परेड ग्राउंड में पहली बार किंग कॉन्ग पार्क मेले का शुभारंभ किया गया। ये मेला 26 अप्रैल से 22 मई 2019 तक चलेगा। मेले के आयोजक दीपक जैन और संजय सिंह ने बताया कि ग्राहकों के लिए हर प्रकार की सुविधा मेले में मुहैया कराई गई है। मेले में टीवी, फ्रिज, किचन का सामान, फुटवेयर, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने, राजस्थानी ड्रेस, मारवाड़ी नमकीन सहित अनेक प्रकार के खाने के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में आयोजकों द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार के बड़े झूले जो कि पहली बार देहरादून में लगाए गए हैं। मेले के शुभारंभ के अवसर पर आयोजकों द्वारा बताया गया कि मेले में शाम के समय ग्राहकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं किंग कॉन्ग पार्क मेला, यही इसकी खासियत है, यही इसका बड़ा रूप है। किंग कॉन्ग जैसे नाम से ही बड़ा है, एक विशाल गुरिल्ला यहाँ लगाया गया है जो कि रोबोटिक है, जिसमें मूवमेंट है, आवाज़ करता है, मूवमेंट करता है। ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा चलते फिरते डायनासोर्स हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। बच्चों के लिए वाटर बोट लगाई है, वाटर बोट में भी इस बार हम एक नई वाटर बोट लाए हैं जो बैटरी ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक है। और आकर्षण के लिए अनेक तरह के स्टॉल्स हैं, बुक स्टॉल हैं, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल हैं, दूर दूर से आए पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल यहाँ आकर्षित कर रहे हैं। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।